एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग जो 66वां BPSC पेपर हुआ था उसके पार्ट 3, इससे पहले दो वीडियो और आ चुके हैं जिसमें हम लोग क्या किए हैं, मार्क्स शेयर कर चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट क्या दोस्तों, ये तीसरा है जिसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मार्क्स शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे मार्क्स आए हैं, क्या क्या नंबर उठाए, किस तरह से हमें क्या मेहनत करना होगा। तो पेपर देखो, इस पेपर में क्या है, पहले पेपर में कितना आया दोस्तों, 148 नंबर आया है, 148 नंबर आया। डेट मीन्स क्या है कि इनका दोस्तों क्या दिक्कत है कि इनका स्टेट्स क्या होगा, वो एक ही सही होगा, ठीक है, एक ही स्टेट सही होगा। अगर आप GS1 में क्या कर सकते हो, GS1 में बहुत हाई चांस होता है दोस्तों कि आप अच्छे नंबर ले आओ। कैसे लाओगे, जब आपका दोनों स्टेट सही हो जाएंगे, और दोनों स्टेट सही हो जाएंगे तो हाई चांस है कि 160 प्लस आप नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो इनको आया है 148। अब GS2 में बहुत ही कम है, 109 है। आपको पता होगा कि GS2 में एवरेज मार्किंग इस बार 120 से 130 के बीच में गई है, ठीक है ना, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किए होंगे तो 150 के आसपास आप टिक पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही था, इसके कारण वो भी एक फैक्टर हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस में इनको बहुत ही कम है। इस बार दोस्तों क्या हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी कम मार्किंग हुआ है एज़ यूजुअल। अभी सिर्फ एक 64th BPSC एक ऐसा था जिसमें पॉलिटिकल साइंस का अच्छा मार्किंग हुआ था, बाकी सब में कम है, ठीक है। तो इनका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हो पाया है। अब आइए अगले मार्कशीट की ओर। देखिए अब ये दोस्तों सेकेंड मार्कशीट है जिसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब इनका जो ऑप्शनल है हिस्ट्री है। सब बोले थे ना हिस्ट्री में मार्किंग कैसा हुआ है, तो हिस्ट्री में 172 मार्किंग है इनका, ठीक है, 172 मार्किंग है। और इनको GS1 में बहुत ही बेहतरीन नंबर मिला है। कितना मिला है, ये फीमेल है, ठीक है ना, तो इनको मिला है 179। बहुत ही बढ़िया नंबर है 179 नंबर, मतलब समझ रहे हो आप कि इनके दोनों स्टेट्स सही हैं, ठीक है। अब GS2 में इनका कम है, 114 है, और हिस्ट्री में है 172। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ध्यान से देखना इसको कितना है, 172 है। और इनको इंटरव्यू मार्क्स में कितना मिला है, इंटरव्यू मार्क्स में इनका 55 मिला है, ठीक है, 55 मिला है। तो ये हो गया सेकेंड मार्कशीट। तो जो भी हिस्ट्री वाले जो हम क्वेरी आया था कि हिस्ट्री चेंज करना है या नहीं करना है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 170 नंबर, 172 नंबर जो मिल रहा है हिस्ट्री में, बहुत ही बढ़िया नंबर है, ठीक है ना, कोई ख़राब नंबर नहीं है। अगर आप उससे कंपेयर मत करो कि मैथ्स में 290 चले जा रहा है, इसमें क्या होगा। अगर ह्यूमैनिटीज़ का जो सब्जेक्ट सब देखो जिसमें, तो हिस्ट्री काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पर आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए दोस्तों, अगला भी क्या है, आपको हिस्ट्री का ही है, ठीक है ना, अगला हिस्ट्री का है। इसमें देखो इनको कितना मिला है, तो इनको मिला है 176 नंबर, 176 नंबर मिला है, ठीक है। अब देखो अब इनका GS1 में कितना मिला है, तो GS1 में मिला है इनको 169। GS2 में इनको लेट हुआ है, GS2 में कितना मिला है इनको, 101, ठीक है, और हिस्ट्री में 176। तो मान लो कि इनका इनका सिलेक्शन और इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, 83 मिला है, ठीक है। तो देखिए अब इनका क्या है कि इनका जो GS1 है 169, उसके बाद हिस्ट्री है 176, ये दोनों के कारण इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है, अदरवाइज इनका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मार्कशीट। अब आइए अगले मार्कशीट की ओर, ठीक है। अगला मार्कशीट देखिए दोस्तों क्या है कि इनका फीमेल है, और इनको अगर GS1 में अगर हम देखें तो GS1 में 161 मिला है, तो 161 बहुत ही बढ़िया नंबर है, 161। रीजन बिकॉज क्या है कि इनका दोनों स्टेट सही होगा, इसलिए इनको 161 नंबर मिल गया, ठीक है। अब देखिए इनका GS2 में इनको मिला है 93 नंबर, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ना होने के कारण इनका यही भी एक नंबर है GS2। और LSW में इनको मिला है 153, वो भी कम ही है, 153। तो इनका इंटरव्यू कॉल रुक गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगले मार्कशीट की ओर। अगला मार्कशीट देखिए दोस्तों, अगला मार्कशीट है, ये फिजिक्स वाले हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है, ये हमारी उनसे हमारी प्लेटफॉर्म से थी। इनका GS1 में आया है 157, काफ़ी बढ़िया स्कोर है, ठीक ठाक है, मतलब और भी ज़्यादा आ सकता था। और GS2 में भी काफ़ी बढ़िया स्कोर है, 138 नंबर, काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है GS2 में, जिस तरह से मार्किंग हुआ है, ठीक है।
फिजिक्स में 154 है और इंटरव्यू में इनको काफ़ी अच्छा नंबर मिला है, इंटरव्यू में इनको 80 नंबर दिया है। और इनको क्या मिला है दोस्तों, इनको मिला है सप्लाई इंस्पेक्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगले मार्कशीट की ओर। अगला मार्कशीट देखिए दोस्तों, अगला मार्कशीट है हिस्ट्री का, अगेन हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री का हमने ऑलरेडी दो देख चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी हम हिस्ट्री का दो देख चुके हैं। तब देखिए इसमें इनको कितना मिला है, तो इनको मिला है 152, 152। GS2 में मिला है इनको 111 और GS1 में मिला है 145। ठीक है, तो ये चाहते तो GS1 में भी अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन क्या हुआ है कि GS1 में इनका गड़बड़ हो गया है, पूरे स्टेट सही नहीं होगा, नहीं तो आराम से 160 नंबर के आसपास लाते तो ऑलमोस्ट ये चले जाते सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू को लग जाता। GS1 में भी कम है, 111 है, और हिस्ट्री में भी कम है, जहाँ पर हम लोग देखे हैं कि दो तीन कॉपी देखे हैं जिसमें हिस्ट्री में 170 के आसपास भी नंबर उठ रहे हैं, 170 के आसपास भी नंबर उठ रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर 170 उठ रहे हैं वहाँ पर 152 थोड़ा कम है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने कुछ मार्क्सिट देखा जिसमें बहुत डिमांड आ रहा था, बहुत सारे डिमांड आ रहे थे, किसका, हिस्ट्री का। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री का देखा, उसके बाद और बाकी सारे जो वीडियो है हमारे उसमें पॉलिटिकल साइंस का है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है, हिंदी लिटरेचर का है, सबका है, वो आप जाके इसको देख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।